थर्ड और सेकंड सेकंड यो विश्वात्मा विदिजशयान राश्य भोगान सविष्ठान पश्चाचान्याश स्वमति विभवान ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान सर्वानीतान पुनर्विशक्षणे स्वात्मनि स्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुण गण पात्वशोनस्तुरीयः अभिधान प्रधान लेकर के दिखाया, फिर अभिधेय प्रधान लेकर के दिखाया, मतलब पहले अभिधान हो गया उनका, अभिधेय हो गया आत्मा, इन दोनों के एकत्व को दिखा करके फिर आत्मा के ऊपर जो तीन अवस्था दिखाई पड़ता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसको वर्णन करते हैं। फिर सातवां मंत्र में आकर के उनका आत्मा में निषेध कर देते हैं, इसलिए उसका मिथ्यात्व तो सिद्ध होता है। इसको समझाने के लिए फिर कालिका कारण फिर दिखाया कि माया निद्रा में सोया हुआ जीव जब तक इस प्रकार उल्टा व्यवहार करेगा तब तक भेद बुद्धि बनी नहीं, परंतु जैसे जैसे अपने मतलब अंतकरण शुद्ध होता जाता है, वास्तविक सच्चाई क्या है ये जानने की इच्छा करते हैं, तो वेदांत वाक को सुन करके माया निद्रा से जग जाते हैं, तब उनका अपने स्वरूप का बोध होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार उत्तम और उत्तम अधिकारी क्या है, परमात्मा ब्रह्म इतना मात्र समझ से उसको ज्ञान हो जाता है, नहीं है तो मध्यम अधिकारी के स्वयं महात्मा चतुष्पाद को लेकर के विचार करते हैं। यदि उसको उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बोला कि उपासना, ये आत्मा और ओंकार की जो है अभिन्नता को चिंतन करने के लिए मैं ओंकार स्वरूप हूँ। तो कैसे अपनी जागृत अवस्था को आकार के साथ स्वप्नावस्था मतलब भावात्मक मानसिक राज्य में जब है तब हमारा क्या हो गया स्वप्नावस्था उकार के साथ, और मकर जब क्या हो गया अज्ञान मतलब सुषुप्ति अवस्था, मतलब जिस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसमें मतलब जागृत अवस्था में सुषुप्ति में जाने का प्रयास करते हैं, जिस समय शरीर इंद्र तादात्म्य छोड़ करके बैठा रहता है, ये जो होगा हमारा सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था से हम विचार करते करते हमें कहाँ पे पहुँचना है, निर्गुण निराकार निर्विशेष में पहुँचना है। इस रहस्य को खोलने के लिए जिस बोला आप कालिकाकार को बोलना चाहते हैं कि आपको कैसे क्या करना है इसके अंदर, ठीक है ना, आत्मा और ओंकार में अभिन्नता अभिधान अभिधा अभिन्नता तो ठीक है, विचार कैसे करना है जागृत काल में बैठ करके। तो कल हम यहाँ पे अत्र एते श्लोका भवन्ति इस विषय में और पादाचार्य इस श्लोक को कहना चाहते हैं, क्योंकि आप टीकाकार लिखे थे इसको पढ़ लिए थे कल ना, पादानाम मात्रानाम च जत एकत्वम स निमित्तम सुक्त उपन्यस्तम, पाद और मात्राओं का जो एकत्व है कालों के सहित क्यों है, क्योंकि समता को दिखाया कहीं पे पहले में क्या है आकार के साथ, और जागृत का जो है एकत्व क्यों है, क्योंकि आदिमत्ता आपता मतलब पहला है और व्याप्ति है, दूसरे में क्या है मकार के साथ हमारा स्वप्न अवस्था की, मकार के साथ अपना स्वप्न अवस्था की जो एकत्व क्यों है, क्योंकि वो उसी से निकलता है, उससे ऊपर उठ करके आता है जागृत काल में, जो हम देखते हैं जागृत कालीन वासनाओं का जो सार है जहाँ पे अधिक आकर्षण है वो हमारे स्वप्न अवस्था में आते हैं उत्कृष्ट, तो वहाँ से खींच के ऊपर आता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है वह है मतलब वहाँ से स्वप्न अवस्था से आप जागृत अथवा सुषुप्ति दोनों में जा सकते हैं। इस प्रकार उपासना करने वाले के प्रति सब वस्तु समान हो जाता है, और जानने वाले व्यक्ति के प्रति और इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी भगवत चिंतन मन लगता है। और इष्ट होता है था कि सुषुप्ति अवस्था यहाँ पे क्या है कि जो प्राग्ञ अवस्था ये मकार के साथ एकत्र चिंतन करने के लिए बोला था, यहाँ पे क्यों मिते अपितेश्च मापते हैं, यहाँ मापते हैं मतलब ये सुषुप्ति अवस्था में हमारे जागृत स्वप्न का बीज भरा रहता है। आपने जागृत काल में बैठ करके हमारे अंदर क्या क्या बीज है ये आप जब सोचते हैं, वो बीज अवस्था को जब सोचते हैं वो हो गया आपका सुषुप्ति अवस्था, धीरे धीरे बीज भी जाएगा। और अपितेश्च ये सब बीज से जो कार्य दिखाई पड़ रहा था, बीज का जो वृक्ष दिखाई पड़ रहा सब लय हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। कितना सुंदर आप देखिए कालिका इसको समझाएंगे, इस प्रकार से जो जब चिंतन करते हैं वो भी इस भाव को प्राप्त करते हैं।
इसलिए बोलता निमित्तम श्रुत्या उपन्यासतम तत्र श्रुति अर्थ विवरण रूपान पूर्ववत्, श्रुति में जो अभिप्रेत अर्थ छुपा हुआ उसके विस्तार के रूप में पूर्ववत, जैसा पहले में बोला था एक से छह को लेकर के कुछ कारिका आया, सात नंबर मंत्र के ऊपर कुछ कारिका आया, उसी प्रकार से यहाँ पूर्ववत एवं श्लोकान अवतार है, उस श्लोक को यहाँ पे मंत्र कारिका कहना चाहते हैं। अत्र इति श्लोक भवति। अच्छा श्लोक पढ़ लिए थे कल? नहीं, एक साथ श्लोक को पढ़ेंगे, है ना। विश्वस्वत्त विवक्षाया आदि सामान्यमुत्कटं मात्रा संप्रतिवक्तव्यो स्यात् दाप्ति सामान्यमेव च। किसको नहीं दोबारा? विश्वस्वत्त विवक्षाया आदि सामान्यमुत्कटं मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् भाति सामान्यमेव च। विवक्षा मतलब कहते हैं भोक्तुम इच्छा, जब आपको बोलना अथवा समझाना होगा, क्या समझाना होगा? विश्वस्य अर्थ, विश्व में अकार की धर्म बैठा है, मतलब ओंकार की जो पहला मात्रा वो धर्म इसमें बैठा है। समष्टि में जाना है, व्यष्टि में से तो समष्टि जाना, व्यष्टि रूप में समझ करने से लाभ नहीं है, व्यष्टि बैरियर को तोड़ना है, इसीलिए मैं वही बोलने जा रहा था। सामान्य रूप से पहले तो हमारे व्यष्टि चिंतन ही आएगा, हम जीव और ये जगत दिखाई देगा, जीव और जगत दिखाई देगा। मैं भी बोला कि अत्य अत्य मतलब क्या हो जाएगा? अकार, अकार यहाँ कभी अकार मतलब निषेध, अकार के द्वारा निषेध किया जाता है, है ना। मैं बोला था अविद्या, अज्ञान, अमानविकता, अब्राह्मण, ये सब जो प्रयोग होता है तो ये मतलब ये निषेध किया जाता है। मत क्या हो गया, जो विश्व मतलब अपने में बैठ करके जब आप अपने ओंकार के अकार को समझना चाहेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ निषेध करना पड़ेगा, तब आपको निषेध करना पड़ेगा, है ना। अत्य विवक्षाया, विश्वस्य अत्य विवक्षाया, विश्व को अकार के साथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अकार में जो धर्म है वो आपको चिंतन करना पड़ेगा, अपने जीवत्व को निषेध करते हैं, ये जगत का नाम रूप में सत्यत्व है उसको निषेध करते हैं, ये निषेध करते हैं। अब इसीलिए बोलता है कि देखो आदि सामा क्या है कि आपको क्या चिंतन करना पड़ेगा? आदित्य पहला, आदि पहला, पहला मतलब जगत की मूल अवस्था, आदि मतलब कहते बिगिनिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जगत की बिगिनिंग अवस्था क्या है, ये जगत को निषेध कर देखते हुए जगत के मूल कारण में जाओ, आदि में जाओ, तो क्या ये निषेध हो जाएगा? ऊपर का विचार पूर्वक निषेध होगा, आदि में पहुंचेंगे, जैसे आप आदि में पहुंचेंगे आप क्या हो जाएगा? ये जो विवक्षायाम इसी का ही अर्थ है, मात्रा संप्रतिपत्तो मतलब जागृत के पात और मात्रा के साथ सम्मत रूप से प्राप्त होने के लिए, जागृत काल में बैठ करके इस जो मतलब जागृत उपहित चेतन व्यष्टि उपहित चेतन इसको यदि अकार के साथ एक करना है, मात्रा मतलब अकार रूपी मात्रा के संप्रतिपत्तो उस भाव को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? निषेध, अकार निषेध करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा। दो प्रकार से निषेध करना पड़ेगा, निषेध मतलब आपको निषेध करते मूल कारण तक जाना पड़ेगा, फिर मूल कारण को निषेध मत करना, यहाँ पे गलती कर देते बौद्धवादी हो जाएंगे तब हम तो शून्यवाद में पहुंच जाएंगे। अधिष्ठान रूप में मैं जो चिंतन करने वाला सब निषेध करने वाला वो मैं वो विद्यमान है उसका निषेध नहीं होता, निषेध करने वाले का निषेध कभी नहीं होगा, कर सकते हैं? निषेध करने वाले का निषेध होगा तो निषेध करेगा कौन? निषेध करने वाले वो रहता है। ये यहाँ पे मांडव कार्य करके विशेष विशेष बोल रहे हैं। अब तीनों को मैं एक साथ पढ़ूंगा, देखूंगा आपको दिखाएंगे, देखिए उनका अभिप्राय क्या है। उत्कटम स्फुटम स्पष्ट स्पष्ट, विश्वस्य अत्त विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम, आदि मतलब यू हैव टू गो टू द बिगिनिंग, द अतः आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मैं व्यापक तत्व, सृष्टि का बिगिनिंग, सोर्स, हाँ सृष्टि का बिगिनिंग, आदि, आदि में क्या था? सदैव सोमैदम अग्र आसीत, ब्रह्मैवैदम अग्र आसीत, आदित्य में, आदि में चला जाओ, बिगिनिंग वहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर का नाम रूपी जीवत्व और जगत तत्व, हाँ तब तो हम पहुँचेंगे। ये मान लो ये आकार की अभिप्राय, देखिए आपकी सामान्य फिर क्या हो जाएगा कि आप सबके व्याप्ति आपका स्पष्ट समझ में आ जाएगा,
जगत का सभी का जब मूल कारण ठीक है, इसका कारण लकड़ी है, इसका कारण लोहा है, ऐसा करते हो निषेध करते हो आप पृथ्वी में आ जाएंगे, फिर मूल कारण में जाएंगे तो एक ही मूल कारण दिखाई देगा, वो है जागृत में बैठ करके। तो आपको पहले इस विचार पूर्वक यहाँ पे आना है, निषेध की मानते हैं, निषेध करेंगे और आदि में चला जाएंगे तो उस समय ये सबका लय हो जाएगा, फिर मकार जैसा नहीं होता, क्या हो जाएगा मकार, तभी तो होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, देखो तो इसलिए अगला वाला श्लोक को देख लो, तीनों श्लोक को देख लो, अब क्या होगा आपका स्थिति, जो आप बोल रहे हैं यही चीज हमारे मानव को कार्यकार देखे, तीनों अलग अलग शब्द प्रयोग किया, तेजसस्य उत विज्ञाने, तेजसस्य उत विज्ञाने उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम्, उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात्, मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्, उभयत्वं तथाविधम् तैजसस्य उत विज्ञाने उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया था, विश्वस्य अत्व विवक्षायाम, यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विज्ञाने, विज्ञाने विशेष ज्ञान अनुभूति, ये जो आप बोल रहे हैं क्या है, ये अनुभूति करने के लिए आपको ऊपर का चीज हटना पड़ेगा, तेजस मतलब क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म शरीर, अतः मतलब केवल आदि आदि तत्व तक आप चले गए जब वहाँ पे, वो एक स्वयं प्रकाश तत्व है, इसकी विशेष विज्ञान के लिए आपको क्या उत्कर्ष कहाँ से दिखाई देगा आपको स्वयं प्रकाश तत्व, उत्कर्ष मतलब क्या बोला, जिस प्रकार जागृत से हम सपनों में जाते हैं, कैसे जाते हैं, जागृत में जो अनुभव करते हैं उसमें जो उत्कृष्ट वस्तु मतलब जहाँ पर हमारे मन फंस जाता है उसी को हम स्वप्न में देखते हैं, जागृत का सार निष्कर्ष जहाँ पे मन फंसा हुआ है उसी को हम स्वप्न में देखते हैं। अब जागृत में बैठ करके विचार करते करते सब निषेध किया, निषेध करने के बाद सार क्या बचेगा, अधिष्ठान तत्व सार बचेगा, जो व्यापक तत्व अधिष्ठान पर उसकी विशेष ज्ञान होगा। पहले विवक्षा था, आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, शुरू किया निषेध करते करते कहाँ पहुँचेंगे, आप विशेष विज्ञान में पहुँचेंगे। अब दैट इज उत्कर्ष दृष्टि के स्पर्ट, आपको स्पष्ट दिखाई देगा नाम रूप के तुलना में अधिष्ठान में क्या उत्कर्षता है, नाम रूप व्यभिचार करें उत्कृष्टता व्यभिचार नहीं है, अधिष्ठान में व्यभिचार नहीं, ये उत्कर्षता हुई, फिर भी व्यभिचार नहीं होते भी सबके लिए समान है, जड़ चित सबको समान रूप से सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं, यही मैं सभी को जड़ चित सब उभयत्वं तथाविधम्, ठीक है, ये स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और भी सूक्ष्म बोल रहे हैं, देखिए आप क्या होगा, मकार भावे प्राज्ञस्य, मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटम्, मान सामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु, मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च, लय सामान्यमेव च मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया, भावे, सी द डिफरेंस, विवक्षा विज्ञान और भाव, भाव मतलब कि उसके प्रति एक अनुकूल मतलब डीप क्या बोलेंगे आपको, मतलब एक गंभीर भाव आसक्ति भगवान के प्रति, माकार मतलब ईश्वर, ईश्वर की अनुभूति भाव से होता है, ईश्वर की अनुभूति विचार बुद्धि के बाहर है, पहले तो विवक्षा बोलना फिर आपका ठीक है सूक्ष्म अनुभूति में आ रहे हैं, परंतु ईश्वर के साथ एकत्व, ये शब्द देखिए एक जगह बोल रहा है विवक्षा, एक जगह बोल रहा है विज्ञान, एक जगह बोल रहा है भाव, इस मकार के भाव में आने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, भाव मतलब क्या हो जाएगा, एक अनुरक्ति, उत्कृष्ट अनुरक्ति, उत्कृष्ट अनुरक्ति, ये जो भगवान भाष्यकार बोलते हैं ना कि समग्र भक्ति सामग्राम जना समग्र मुक्ति सामग्राम भक्ति विधीयते आत्म सशल अनुसंधान भक्ति रीते विधीयते, विवेचना में नहीं बोलते, समस्त मुक्ति की सामग्रियों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है, भक्ति क्या वस्तु है, भक्ति की परिभाषा क्या दिया, स्वस्वरूप अनुसंधान, हाँ स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रीते स्वरूप अनुसंधान की यही हो गया भक्ति। अब देखिए ये भाव,
अब स्वरूप अनुसंधान के स्वरूप अनुसंधान करना शुरू किया। आप जो आपके मन में इच्छा हुई कि मैं अपना स्वरूप विवक्ष आएंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जागृत में बैठो, अभ्यास करो, निषेध करना सीखो, निषेध करना सीखो, जहाँ सत्य बुद्धि है आपके जीवत्व जगत तत्व को हटाना शुरू करो। जीव और जगत हट जाएगा तो जगत ईश्वर रह जाएगा। जीव इतने को लेकर के जगदीश्वर पहले हुआ सृष्टि स्थिति के रूप में आपको दिखाई देगा, उत्कृष्टता आपको दिखाई देगा जगदीश्वर में। जब जीव और जगत की तुलना में जगदीश्वर में उत्कृष्टता दिखाई देगा, क्यों? जगदीश्वर सबको समान रूप से सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद आपको इस समान रूप से जो प्रदान कर रहा है इसको भी हटाना है। अब जगदीश्वर के भाव में मन को लेगा, क्या हो जाएगा, नाम रूप सारा उसमें लायक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा, जगदीश्वर केवल अकेला रहेगा। उसमें क्या है, न जगत रहेगा न ईश्वर एक तत्व रहेगा, कुछ शब्दों के द्वारा नहीं बोला जाएगा। जगत के सापेक्ष में जगदीश्वर बोला जा रहा था, परंतु अब जगत में हो गया, ईश्वरत्व भी नहीं रहेगा, बस शुद्ध अपना स्वरूप रहेगा। इसलिए आपने बताया लय सामान्य में, बस लय की समानता में आ जाए, सब लय हो जाए। लय हो जाने के बाद जो सामान्य स्थिति होती है दैट इज मुक्त है, और उसको प्राप्ति के लास्ट उपाय क्या है, भाव बीच। हाँ बोला था भाव समाधि, हाँ मतलब बस विचार करते करते ईश्वर की प्रति। आप खुद सोचो आप कि पूरा मैं पाया कितना बार बोलता हूँ कि देखिए आप सोचिए कि दिन से सुबह से लेकर के अंत 24 घंटे में भगवान जितना हमारे लिए काम किया हम उतना शरीर के लिए नहीं कर पाते हैं। ऐसा बार बार विचार करते करते विचार करते करते एक छोटा सा तिल का घास सूर्य की किरण लेकर के कैसे गाय को बचा के रखते हैं, इस नारियल का पानी जमीन से लेकर के ऊपर कौन उठाता है, ऊपर कौन उठाता है, काला भूमि में सफेद रूई कहाँ से आता है, दाल भात खा के सोते हैं हड्डी कौन बनाता है, बीज में कौन ट्रांसफर करते हैं, इस सारा ईश्वर की स्पष्ट रूप में आपको दिखले स्फुटम। पहले आप दोनों जगह पे बोल रहे हैं, देखिए वहाँ पे दोनों जगह पे स्फुटम बोल कर लास्ट में बोला उत्कटम, मतलब उत्कृष्टता आएगा वहाँ पे, स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। बार बार ये विचार मतलब उनकी सारा क्रिया को देख करके ईश्वर की क्रिया को बार बार अनुभव करके क्रिया को हटा करके ईश्वर को अनुभव करने का। जगत बनाया परंतु जगत के ऊपर दृष्टि नहीं, बनाने वाले के ऊपर दृष्टि देगा। जिसने इतना सुंदर जगत को बनाया, जितने इतना सुंदर सबसे चलाया, वो कितना सुंदर हो, वो कितना सुंदर हो, कैसा आप अपने के तीन शब्दों को ध्यान दीजिए। एक जगह पे क्या बोला, हम लोग बोलते हैं कि वेदांती लोग जो है केवल युक्ति के सहारे चलते हैं, हम युक्ति के सहारे नहीं चलते, अनुभूति और भाव के सहारे चलते। देखो स्पष्ट क्या स्पष्ट यहाँ पे, विवक्षा विज्ञान भाव, हम इसको जानना चाहते हैं, आपका विशेष अनुभव होगा, फिर उस भाव में आप रहेंगे, उस भाव में आप रहेंगे, वही वो हो जाएगा क्या, उत्कर्ष स्थिति हो जाएगी आपकी, मतलब ईश्वर की अभिव्यक्ति उत्कर्ष रूप में आपके सामने आ जाएगा उस भाव में। जिस प्रकार मीरा को जहाँ दिखाई दे रहा है भगवान श्री कृष्ण, जहाँ चाहे आपको शत्रु भाव में क्यों ना हो फिर भी आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमारा किसको क्या नाम है, वो कंस, वो डर के मारे जहाँ कहीं वहीं कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, शत्रु रूप में दिख रहा है, परंतु वो हर समय जो चिंतन उसका वो उनको मुक्ति के लिए उत्कर्ष, मतलब स्फुटम उत्कटम, हर जगह पे जहाँ दिखाई दे रहा है बस सारे बच्चा को मार डालो, डर है उनका केवल कृष्ण है। ये चीज जो है ये मानवीय प्रकार के तीन जो यहाँ में कार्य का दिया, ये उपासना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे उपासना अगर हम कर पाएंगे तो ज्ञान क्यों नहीं होगा, ठीक है, हम उत्तम अधिकार जान मानते हैं, हमारे इतना अच्छा कर्म नहीं है, हम ये विचार कर सकते हैं, और ये विचार सबके लिए खुला है, इसी से आपका अधिकारित्व भी आ जाएगा, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको बोला तो तीनों को यहाँ पे ध्यान रखना, विश्वस्य अत्त विवक्षायाम, जब आपको अत्त के साथ एकत्व प्राप्त करने की इच्छा होगा, बोलना होगा, समझना होगा, तब आपको पहले अकार में जो धर्म है निषेध अपने धर्म को उसका अपनाना पड़ेगा, और क्या होगा आदि तत्व तक जाना पड़ेगा, फलत आप क्या हो जाएंगे एक व्यापक आदि तत्व में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप उसका विशेष विज्ञान क्या होगा कि आपको जागृत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा था उसके अंदर जिस प्रकार नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या छुपा है, सच्चिदानंद, वो स्पष्ट हो जाएगा। किसी को ईशावा उपनिषद बोला ईशावा संविदम से नाम रूपात्मक से नाम रूप के द्वारा इस सच्चिदानंद ढका हुआ है, इसका उल्टा हो जाना है, क्या होना है, सच्चिदानंद के द्वारा नाम रूप ढक देना चाहिए, ये हो गया विज्ञान, ये हो गया विज्ञान। उत्कर्ष दृष्ट स्फुट, आपको उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पे व्यभिचार नहीं है, यहाँ पे व्यभिचार,
ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा कि आप सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला वो है, वो है मतलब जड़ चीत अच्छा बुरा किसी के साथ कोई भेद नहीं है। चाहे सूर्य का किरण जैसे गंगा नाली के भी टट्टी को भी प्रकाश करते, गंगा माता गंगा जी भी प्रकाश करते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया उभय। फिर उसके बाद जब स्थिति में आ जाएगा उस भाव में, भगवत बोलते हैं मकार भाव या प्राग्नस, मतलब ईश्वर के भाव में लाने के लिए क्या करना, मान आप यू हैव टू मेजर, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जब ये मान सामान्य उत्कटम मात्रा संप्रतिबद्ध, मात्रा सम तीनों जगह पे है, मतलब पाप और मात्रा को एक साथ मिलाने के लिए, मात्रा संप्रतिबद्ध पाप को मात्रा के साथ मिलाने के लिए ये हो जाएगा मात्रा संप्रतिबद्ध। लय सामान्य में बताओ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर चीज उसमें लय मकान में लय कर, ईश्वर में लय कर दो तो क्या हो जाएगा शुद्ध चेतन हो जाएगा। ये हो गया इस तीन कारिका की स्पष्ट मतलब सामान्य संक्षिप्त देखिए भाष्यकार से क्या बोलते हैं। अब आगे टीकाकार और बोल रहे हैं, देखिए प्रथम पादस्य प्रथम मात्रायस्य अभेद आरोप्यर्थम उक्तम सामान्य द्वयम् विषदयति। प्रथम पाद क्या है गया विश्व है ना, और प्रथम मात्रा क्या हो गया अकार। ये प्रथम पादस्य प्रथम मात्रा या प्रथम पाद का प्रथम मात्रा के साथ अभेद आरोपार्थम उसके अभिन्नता को आरोप करने के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला था ये आरोप उपासना उपासना है आरोपार्थम उक्तम सामान्य द्वय, वहाँ पे दो सामान्यों के बारे में कथन करके आया था। क्या दो सामान्य था आदिमत्व और व्यक्तव्य, अक्तित्व और व्यक्तित्व आदिमत्व ये बोलता है, इसलिए बोलता है जो सामान्य द्वयम विषय उसी को यहाँ पे विस्तार से बोलते हैं विषय। तो विश्वस्य अत्व विवक्षा भाष्य में आ जाइए, विश्वस्य अत्तम अकार मात्रत्व जदा विवक्षते, ठीक है भाष्य में जिस समय विश्व में केवल मात्र अकार अवस्था में आना चाहते हैं विश्व अकार मात्रत्व, अकार मात्र क्या हो गया व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन, व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन को आप ओंकार की मात्रा के साथ मिलाना चाहते हैं, आप ओंकार की मात्रा के साथ मिलाना चाहते हैं। तो ओंकार ओंकार तो पूरा व्यापक है, तो आपको जो परिच्छिन्न बुद्धि है जीवत्व जीवत्व और जड़त्व, जड़त्व में चेतन आप देखिए विचार करिए आपने ये शरीर जड़ है परंतु आप इसको चेतन मान लिए, परंतु ये चेतन होता है इसके पीछे चेतन तत्व तो रहने के कारण होता है, वो कब वहाँ समझेंगे जब हमको विचार दृष्टि ठीक ठीक होगा। जब हम शुद्ध चेतन को हम दृष्टि करना सीखेंगे तब क्या हो जाएगा जीवत्व अपने आप जाएगा, तब जीवत्व तो उपाधि मन के साथ जीवत्व है, जब आप मन के साथ तात्म छोड़ देंगे जीवत्व नहीं है आप अधिष्ठान शुद्ध रूप में हो जाएंगे। इसी यहाँ पे बोलते हैं कि विश्वस्य अत्तम अकार मात्रत्व ज्यादा विवक्षते, जिस समय आप उसको अनुभव करना चाहते हैं अथवा कहना चाहते हैं समझना चाहते हैं दादा आदित्य सामान्य उक्तम है ना, आदित्य सामान्य उक्त न्यायन उत्कटम उद्भुतम दृश्यते। अब उक्त न्यायन मतलब क्या हो जाएगा कि आदि देखो टिप्पणी का टीका का लिख रहा है उक्त न्यायन आदि अस इत्यादि ठीक है ना, मतलब आपको आदि तत्व में जाना पड़ेगा बिगिनिंग में क्या था, तब क्या हो जाएगा आपको कि देह सदैव सोमेदम अग्रे आशित है ना, आपको निषेध करना पड़ेगा, आपको निषेध करना पड़ेगा। क्या निषेध करना पड़ेगा, स्थूल शरीर ये मैं नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इस प्रकार यहाँ पे ईश्वर अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ है, जागृत काल में ईश्वर अंतर्यामी भी है बहिर्यामी भी है कि नहीं, जागृत काल में ईश्वर अंतर्या में भी है बहिर्या में भी, बाहर भी वही दिखाई पड़ रहे हैं। आप जो है जिसके कारण मतलब जिसको नियमन कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, जो नियमन कर रहे उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा अभिप्राय क्या है, जो नियमन कर रहे उसको देखना है, जो इसको देखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जल रहा है तो इसके अंदर कोई एक तत्व है, जब हम यहाँ पे नहीं रहते कोई स्विच ऑफ लाइट नहीं रहता, लाइट चलने के पीछे कोई एक तत्व है जिसको पंखा भी घूमते हैं लाइट भी चलते हैं, इसी प्रकार शरीर चलने के पीछे जड़ शरीर चलने के पीछे कोई एक चेतन तत्व है, चेतन तत्व है। ये शरीर रहते रहते ही शरीर का निषेध हो गया तब चेतन तत्व समझ में आता है, तब चेतन तत्व समझ में आता है। इसीलिए आप बोलते हो आदि आदि में जाना पड़ेगा, इसलिए बोलता है आदि आदित्य सामान्य उक्त न्याय न उस उपरोक्त युक्ति के द्वारा उत्कटम उद्भुतम, आप विचार करतेगा तो आपके सामने उत्कट हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा, संसार में हर चीज में भगवान के भिन्न कुछ नहीं है,
मतलब अब मैं बताया ना, हर जगह पे हर चीज में एक छोटा सा बीज लगाया, इतना बड़ा पेड़ किसने बनाया। यदि आप बोलेंगे प्रकृति का ही धर्म है तो हर जगह पे क्यों नहीं होता, हर समय में क्यों नहीं होता। ये सब चीज आप जैसे मन में कुछ विरुद्ध चिंता है तुरंत उसका विपरीत चिंता देखा है, उसको खंडन करके ईश्वर की उत्कटता मतलब ईश्वर की उपस्थिति हर वस्तु में दृढ़ रूप में समझने का कोशिश। ईश्वर को शुद्ध चिंता मैं नहीं बोल रहा इसमें, अंतर जामित बहिर् जामित उसको लेकर इसलिए बोलते हैं उक्त न्यायेन आदि अस्य इत्यादो। आदि रस मतलब जो सबका आदि तत्व है, उस निषेध करते हुए आदि तत्व तक जाना है। जागृत अवस्था में बैठ करके अपने जैसा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इसको निषेध करते हुए जगत का भी नाम रूप को निषेध करते सबके एक आदि तत्व जो है अधिष्ठान तत्व मतलब। अब जब आप सबको निषेध करेंगे नाम रूप को तब उसके अंदर क्या होगा, आपको जो है व्यापकता दिखाई देने लगे, क्योंकि पर नाम रूप से परिच्छिन्नता दिखाई दे रही है। परिच्छिन्नता क्यों दिखाई दे रही है, नाम रूप के कारण। ये चेतन वो चेतन दोनों एक ही है, परंतु ये अलग वहाँ अलग क्यों प्रतीति हो रहा है, क्योंकि नाम रूप के घेरे में आ गया। इसीलिए आप उसको निषेध कर दिया, बैठ बैठ के विचार करते करते क्या हो जाएगा, एक व्यापक तत्व को समझ में, व्यापक तत्व को समझ में लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं वहाँ पे ये हो गया आपका विश्वस्य अत्र विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम। जब आप आदि तत्व तक जा पाएंगे तो आपको ईश्वर उत्कट रूप में उत्कट में स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। यही हो गया मात्रा संप्रति पत्र। अब आप क्या हो जाएगा, आप जागृत अवस्था में बैठ करके ओंकार की अकार मात्रा के साथ एक हो गए, समझा रहे। जागृत अवस्था में बैठ करके जैसे ही आप अपनी परिच्छिन्नता को छोड़ दिए, मतलब क्या हो गया, आप अपनी अकार अकार भाव के साथ एक, ईश्वर के अकार भाव के साथ एक हो गए, व्यापकता के साथ एक हो गए। एक हो गया हमने अत्य विवक्षाया इति अस्य व्याख्यान हुई। अत्य विवक्षाया पहले बोला ना विश्वस्य अत्य विवक्षायाम, ठीक है ना, इसी का व्याख्या क्या है, मात्रा संप्रतिपत्तो। मतलब क्या हो जाएगा कि मात्रा क्या हो जाएगा, अकार मात्रा, उस अकार मात्रा के साथ संप्रतिपत्तो मतलब मिल जाना, हाँ संप्रति मिल जाना, सम्यक रूप से आपत्ति प्राप्ति सम्यक रूप से एक हो जाए, मतलब परिच्छिन्नता छूट करके आप व्यापक भाव में धीरे धीरे सुंदर रह जाए। इसलिए आप बोलते हैं विश्व यहाँ पे तत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यान, इसी का ही व्याख्यान हो गया मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। जब मात्रा के साथ आप एक हो जाएंगे, है ना, जब अत्व विवक्षा, जब आप जागृत में बैठ करके जागृत अवस्था में बैठ करके विश्व रूप से आप अकाल में चला जाना चाहेंगे, तब क्या हो जाएगा, निषेध करते हुए हमको जाना, निषेध करते हमको जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा, आदि तत्व तक जाना पड़ेगा। लाभ क्या मिलेगा, व्यापकता समझ में आएगा, व्यापकता समझ में आएगा। यहाँ तक आपका फर्स्ट पहला अकार के साथ देखिए कितना लॉजिकल और कितना स्पष्ट रूप में इंडिकेशन है। तीनों अलग अलग शब्द प्रयोग करके आपका विवक्षा विज्ञान और भाव, विवक्षा विज्ञान और भाव, ये तीन में आपको समझना है। मैंने पहले ये करूँगा ऐसा सोचा है उसको समझे भाव है, परंतु कुछ भी कि ज्ञान विज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इदम तुते प्रवक्ष्यामि, है ना, उसमें ज्ञान विज्ञान स्वयं यद ज्ञाता मोक्ष। यहाँ क्योंकि किसी को कुछ समझाने के लिए जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता हम दूसरे को कैसे समझेंगे। विवक्षा मतलब वक्तव्य की इच्छा, बोलने की इच्छा, समझने की इच्छा, इस अवश्य तब क्या है, पहले आप इसी इसके बाद आपको विज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, और उस व्यापकता की स्थिति अवस्था में स्थिर रहने का कोशिश करो। और वो कैसे आएगा व्यापकता, ये जिस प्रकार देखिए दूध में घी है, कहाँ है घी, पूर्ण रूप से व्यापक है, दिखाई नहीं देता है, परंतु उसमें से घी निकलते तो यहाँ तो क्या करता है, मट्ठा जमाना पड़ता है, मक्खन बनाता है, फिर गर्म करते हैं। अब उससे जो निकाला दूध से उससे उत्कृष्ट होता कि नहीं होता, घी निश्चित ही मक्खन दूध से धीरे धीरे उत्कृष्टता की बात तो करते हैं, खराब नहीं होता जल्दी, दूध खराब हो जाता है, घी खराब नहीं होता, कितना साल भी रहता है, ये उत्कृष्टता है। ऐसा ही ये सारा नाम रूप को छानबीन करो, सारा नाम रूप को छानबीन करके उसके अंदर तत्व के अंदर घुसने का प्रयास करो, करते करते क्या हो जाएगा, आप उसको उत्कृष्टता उसके अंदर छुपा हुआ नाम रूप व्यभिचारी है, परिवर्तनीय है, नाशवान है, उसके अंदर छुपा हुआ उत्कृष्ट तत्व अव्यभिचारी अपरिणामी नित्य तत्व को आपको विज्ञान में। अब क्या होगा, उस विज्ञान भाव स्थिर रहने का, उस विज्ञान स्थिर रहने के लिए भाव चाहिए, उस विज्ञान में स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए, भाव चाहिए। मतलब आप ईश्वर भाव में, आपकी ईश्वर भाव में स्थिर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस समय युक्ति युक्ति छोड़ दो, बस भगवान भाव में भगवान की प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए, और वो भी एक उत्कृष्ट
उत्कृष्टता से उत्कट प्रीति भगवान के प्रति होती है, अभिलाषा होती है, वो इसको यहाँ पे बोलते हैं। अब तो विवक्षाया मित्वस्य व्याख्यान मात्रा संप्रति तत्व। इसके ऊपर देखिए टीकाकार यहाँ पे लिखते उक्त न्याय आदि रस्य इत्यादि विशेष, ये उक्त न्याय ना जो भाष्य में उक्त न्याय ने बोल रहे हैं उसी का अर्थ कर रहे हैं। उक्त न्याय ने ना वहाँ भाष्य में मिला आपको हाँ, उसी को टीका कर लिया उक्त न्याय ने, मतलब क्या हो जाएगा वो आदिश आदि रस्य इत्यादि जो पहले बोल करके उसको पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षित अर्थ भाव वहाँ पे बोला ना कि विश्वस्य अत्व विवक्षायम है ना, और मात्रा संपत्ति मतलब अत्व विवक्षा मतलब अमात्र है वो तो मात्र तो भाई मात्रा संप्रति वक्त बोलते कि वो उसी का अर्थ कर दिया आपने। विश्वस्य अत्व विवक्षा है मतलब आप जागृत में बैठ करके अकार भाव के साथ एक होना चाहते हैं, परमात्मा की विराट भाव के साथ एक होना चाहते हैं, ये यदि आप चाहते हैं तो आपकी परिच्छिन्नता को छोड़ो, इसीलिए उसी का अर्थ है मात्रा संप्रति तत्व, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। अत्व विवक्षा मतलब क्या है, अकार मात्रा के साथ हम एकत्व अनुभव करना चाहते हैं, परिच्छिन्नता में एकत्वता अभ्यापकता में करते हैं, है ना, इसलिए आप बोलते हैं कि पुनरुक्ति परिहार द्वारा ये वहाँ पे अत्व विवक्षाया इसके साथ मात्रा संप्रति तत्व इसमें एक ही अर्थ लग जाए तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, इसको परिहार करके विवक्षित अर्थविष्ट अर्थ को कहते हैं अत्व विवक्षाया इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रति तत्व। किसी का व्याख्यान है नंदी को कार्य का अपने आप ही जो कहना चाहता है उसका जो कठिन अर्थ है इसी भाष्य का भी यही लक्षण है। स्वपदानी च वर्णन्ते, स्वपदानी च वर्णन्ते मतलब आपने जो उस पद को प्रयोग किया उसमें यदि ऐसा कोई लगे कि जो सामान्य अर्थ सामान्य समझ में नहीं आएगा अपने आप उसका व्याख्या कर देते हैं। जो अत्य विवक्षा में क्या अर्थ छुपा हुआ है मात्रा संपत्ति ये अर्थ्या है, इसलिए आपकी पुनरुक्ति दोष नहीं है। अनुवृत्ति द्योतकम दर्शयति। अच्छा वहाँ पे फिर आगे क्या लिखते हैं, लास्ट में बोला आपति सामान्यम एवच चकार से क्या दिखा रहा है, ये जो है सबको व्याप्त कर लिया आपने सबके साथ एक हो गया ये भी आपके सामने स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चकार के द्वारा उत्कट को वहाँ पे अन्वय करने के लिए बोल रहे आदि सामान्यम उत्कटम तो आपको मूल तत्व जब जाने से स्पष्ट रूप में समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो आपकी व्यापकता भी आपके सामने स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। चकार के द्वारा उस उत्कटत्व को अनुवृत्ति आ रहा है, चकार के द्वारा मतलब स्पष्टत्व इसका अनुवृत्ति आ रहा है, इसी में बोलते हैं कि विवक्षित यहाँ पे हाँ अत्व विवक्षाया इतिहास व्याख्यान मात्रा संप्रति तत्व इति विश्वस्य अकार मात्र तब ज्यादा संप्रतिपद्धति इति अर्थ। देखिए अब क्या हो जाएगा, विश्व मतलब क्या मैं ये परिच्छिन्न चेतन वो अकार मात्र व्यापक विराट हो जाएगा ना ज्यादा संप्रतिपद्धति इति अर्थ। आपकी सामान्य एवं च लास्ट में चतुर्थ बात क्या है, आपकी सामान्य एवं च मतलब सबके साथ मैं अभिन्न हूँ सर्वभूतेषु च आत्मा में इस स्थिति जब आपका जाएगा ये आपको स्पष्ट रूप में समझ में उत्कट हो चकार के द्वारा इसलिए हमें बोलते हैं आपकी सामान्य एवं च उत्कट अमिति अनुवर्तते च शब्द। यहाँ पे जो मूल में अंतिम में आया चकार के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, वो जो पहले जैसा आपको स्पष्ट रूप में स्फुट रूप में समझ में आता था अपनी व्यापकता भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है, ये भी प्रकाशन के लिए बैठेंगे तब आपको स्पष्ट रूप में यहाँ पे आपति सामान्यम एवं च शब्द से क्या उत्कटम इति अनुवर्तते क्यों च शब्द यानी च शब्द के बल पर उत्कटत्व क्यों वहाँ पे अनुवृत्ति इतना कहना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं श्लोक तो हमने पढ़ लिया है ना, तो आप देखिए ये ध्यान हो गया आपका इस विवक्षा है आपका बोलने की इच्छा समझने की समझाने की इच्छा इस अवस्था में आपकी हम शुरू करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे शुरू किया तब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बोला ये उपासना एक तीन मिलकर के एक उपासना है, इतना अभ्यास करते करते आप जब आप आदि तत्व तक पहुँच गए व्यापकता समझ में आने लग गया तब क्या है ये व्यापकता कहाँ से है, स्वप्न कैसे होता है जागृत में जिस वस्तु के प्रति हमारे अधिक आसक्ति होते हैं स्वप्न में उसी को देखते हैं। अब जागृत काल में बैठ करके हमारे मन में ये तीव्र निष्ठा उच्च हो रहा है कि मैं अपना आत्म तत्व को जानूं ईश्वर क्या उस तत्व को जानूं, ये इच्छा उत्कट है ये उत्कृष्ट है वहीं से निकल करके आए क्योंकि आपने नाम रूप में निषेध करते ईश्वर तत्व तक जाना चाहता है। अब जब ये आपको उत्कृष्ट होगा तब क्या हो जाएगा ईश्वर तत्व संबंधित विशेष ज्ञान होने लग जाएगा। ईश्वर तत्व मतलब यहाँ पे बोलते हैं तेजस्य उत्त विज्ञाने, यहाँ पे ईश्वर तेजस क्यों बोल रहे हैं हिरण्यगर्भ, तेजस मतलब समष्टि शरीर में आ गया हिरण्यगर्भ,
उसका जो है उत्कृष्टता के विज्ञान में उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम, उसमें उत्कृष्टता स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार घी में दूध की तुलना में उत्कृष्ट स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार नाम रूपात्मक जगत में स्थूल शरीर से तुलना में सूक्ष्म शरीर से उत्कृष्टता है कि नहीं है, हमारी व्यष्टि में देख लो समष्टि में भी ऐसे ही है यहाँ पे, क्योंकि वही तो मुख्य रूप से स्थूल शरीर को आवागमन करना प्राप्त करना सब वही काम करते हैं। अब इसलिए भाष्यकार बोलते हैं तेजसस्य उत्त विज्ञाने उकारत्व विवक्षाया, तो मैंने विज्ञाने पर ठीक पर कि गलत पर, विज्ञान क्यों नहीं पर है विज्ञाने के ऊपर, क्योंकि तेजस एक वचन में है। हाँ तो नहीं विज्ञान लोप शाकल्लस, आप यहाँ पे भी ये सप्तमी अर्थ कह सकते हो, आपने यहाँ पे लिख रहे हैं उकारत्व विवक्षायाम, विवक्षा का सप्तमी एक रमा, रमा शब्द का सप्तमी एक बना क्या है रमाया, यानी कि यहाँ पे सप्तमी है ठीक है ना। तेजस उत्त विज्ञाने उकारत्व विवक्षायाम, उसमें तेजस में जब उकारत्व को देखे कहाँ देखेंगे तेजस में उकार ओंकार ईश्वर की जो मध्यम स्थिति उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्ष दृष्टते स्फुटम स्पष्टम, आपको उत्कृष्ट सब उत्कृष्टता पहले दिखाई देती है ना। एक व्यभिचार करने वाला अनित्य है और एक लंबा समय तक रहने वाला एक उत्कृष्टता आपको दिखाई देगा है ना। इस प्रकार दूध में से आप घी निकाल लिया, इसी प्रकार नाम रूपात्मक व्यभिचारी जगत में से आप एक नित्य तत्व को समझने लगे, नित्य तत्व का और सूक्ष्म शरीर कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर में तो वही चेतन बैठा हुआ है इसलिए स्पष्ट। और क्या होगा उभयतम च स्फुटम एवं उभयतम, मतलब ये जो है ये हिरण्यगर्भ नाम रूपात्मक स्थावर जंगमात्मक अथवा चेतन अचेतनात्मक सभी का ही कारण है, इसलिए उभयतम समझ में आया। पूर्ववत सर्वम बाकी सब पहला जैसा है, इसमें अलग करके कुछ नहीं कहना है। अब टीकाकार देखिए क्या बोलते हैं, ये केवल स्त्रियों के एक साथ पढ़ के उसमें आपको जागृत में बैठ के हमें करना क्या, क्योंकि भगवान राष्ट्र का पहले ही बोला था आप जागृत में बैठे सुषुप्ति को बना पाओगे तो तरुण सत्य साक्षात्कार हो जाएगा। तो क्या करना है कि इसलिए ये उपासना उसको मदद करती है, कैसे आप जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। द्वितीय पादस्य द्वितीय मात्रायस्य एकत्र आरोप प्रयोजक द्वयम् श्रुति उक्तम व्यनक्ति, श्रुति उक्तम व्यनक्ति द्वितीय पादस्य, द्वितीय पाद हो गया तेजस व्यष्टि सूक्ष्म उपहित चेतन, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन द्वितीय पाद, द्वितीय मात्रा हो गया ओंकार जो आपका परमात्मा का रूप है उसका द्वितीय मात्रा हो गया उका तेजस और उका, द्वितीय मात्रस्य एकत्र आरोप प्रयोजक, मतलब ये तेजस ही उकार है अथवा उकार ही तेजस है, ये एकत्र की आरोप की प्रयोजक क्या है उत्कृष्टता और उभय, उत्कृष्टता और उभय ठीक है ना। अकार मैं बोला था कि अकार से उकार उत्कृष्ट है क्योंकि अकार अनुदात्त है एक उदात्त है, और दूसरी बात क्या है कि बाद में पढ़ा गया है बीच में है उसकी उत्कृष्टता, और कि उभय दोनों तरफ व्यवहार करते हैं दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसलिए बोलते हैं ये द्वितीय पादस्य द्वितीय मात्रायस्य एकत्र आरोप प्रयोजक द्वयम्, एकत्र को आरोप करने के लिए दो हेतु है, उस हेतु को जो श्रुति उत्तम जो पहले श्रुति के द्वारा कहा गया उसको व्यनक्ति उसको व्याख्या करते हैं। ये यहाँ पे ये हमने ये प्रदीप्तानंद जी ये श्रुति उत्तम लिखा है आपके पुस्तक में, क्या लिखा है वहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या शब्द हुआ दोहरा लेंगे ना मन में तो अपने आप सूत्र मन में बैठ जाएगा अलग करके उसको, और बाकी जो एक्सटेंशन वाला सूत्र यहाँ आएगा तो आपको मन लगा लेना, मुख्य रूप से संधि तो यही है, इसलिए बोलते हैं कि श्रुति उत्तम व्यनक्ति उसके व्याख्या करते हैं। तेजसस्य उत्त विज्ञाने उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्ष दृष्टते प्रमे उत्कृष्टता, आपको क्या हो जाएगा आप देखना आपकी मनोवृत्ति की उत्कृष्टता हो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ईश्वर चिंतन करते करते उपासना करते करते आपकी मनोवृत्ति में उत्कृष्टता और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा है ना। उत्कर्ष दृष्टते
मतलब क्या होता है कि जन्मांतरीय संस्कार चित्त भूमि में वो बदलने लगता है। चित्त शुद्धि बोलते हैं, कैसे होता है, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। आप जब आप भगवान की ध्यान करने के लिए बैठेंगे, धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होगा, तो स्वाभाविक क्या हो जाएगा, अंतकरण की वृत्ति में उत्कृष्टता होगी। पहले कोई वस्तु को देख करके जैसा वृत्ति उठते था, आजकल वृत्ति नहीं उठी, मैं मेरा वृत्ति चला जाएगा, ईश्वर ईश्वर ऐसा इस प्रकार से वो आने में। इसलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे उद्देश्य स्फुट स्पष्ट, उत्कर्ष उद्देश्य स्फुट स्पष्ट में दिया था। अच्छा, उभयत्वम च स्फुटम एव इति, और उभयत्व मतलब ये सबके लिए समान है, अच्छा बुरा, शत्रु मित्र, जड़ चेतन, सभी के लिए समान है। देखो क्योंकि एक शुद्ध चेतन तत्व ही जड़ात्मक चेतनात्मक दोनों जगत का भी व्यक्त करते हैं, अच्छा बुरा दोनों, सूर्य किरण अच्छा बुरा सबको प्रकाशित करते हैं। ये उभय, ये किसके अंदर आएगा, साधक के अंदर, साधक के अंदर आएगा। जैसे जैसे आप उकार को मतलब आकार से आकार से आप आदि तत्व तक चले आएंगे, आकार से चिंतन करते करते आदि तत्व तक आते ही आपके अंदर भी उत्कृष्टता आएगा, विचार में उत्कृष्टता आएगा, आप जड़ चेतन शत्रु मित्र सबके प्रति समान भावने लग जाएंगे। और उत्कृष्टता मतलब क्या है कि आपकी चित्त वृत्ति की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि। आप पहले वस्तु को देख करके जैसे सत्यत्व बुद्धि वहाँ पर आसक्ति ये मेरा काम आएगा, ये वृत्ति चला जाएगा, संसार में कोई वस्तु मेरा कोई काम का नहीं, ये निश्चित उत्कृष्ट वृत्ति है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो है कौन, तो आप जिज्ञास को है कौन उत्कृष्ट, वो कौन है, इससे मत विवक्षाया। अब मत भाव है, मकार भाव में आना पड़ेगा आपको, मकार कौन है, ईश्वर है ना, मकार क्या है, ईश्वर और प्राज्ञ, प्राज्ञ और ईश्वर में एकत्र हो जाए, उस मकार के भाव में आप आ जाएंगे। पूर्ववत सर्वम, पहला जैसे सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्फुट स्फुटम इति क्रिया विशेषण, वहाँ पे जो आया है ना, दृश्यते स्फुटम है ना, ये स्फुटम एडवर्ब है, ये मॉडिफाइड द वर्ब दृश्यते, ठीक है ना। यहाँ पे भाष्यकार देखिए पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा है दैट यू हैव टू फील इट, आपको दिखाई देगा, ये स्पष्ट दिखाई देगा, समझ में आएगा, हाँ दृश्यते स्फुटम, भाष्यकार बोले स्फुटम का हमने इसके साथ होगा, विज्ञान विज्ञान मतलब क्या होता है, अनुभव के साथ, अनुभव मतलब कहते हैं स्पष्ट हो, हर समय आपका ईश्वर तत्व में जन्म मिल जाता है, हर समय आपको स्पष्ट रूप में ईश्वर समझ में। भाष्यकार नहीं बोलता है कि स्फुटम इसका अन्वय किसके साथ होगा, दृश्यते स्फुटम स्पष्टम, यहाँ पे टिप्पणी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्फुटम इति क्रिया विशेषण, टिप्पणी का टीकाकार क्या बोलते हैं, स्फुटम क्या हो गया, ये एडवर्ब मॉडिफाइड द वर्ब दृश्यते, मतलब स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा, विज्ञान होगा, विज्ञान होगा। तथा विधम इति अस्य अर्थम आह, वहाँ पे जो भगवान भाष्यकार की देवदशस्य उत्तर विज्ञान उकारत्व विवक्ष उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम मत स्पष्ट उभयत्वम च स्फुटम एव पूर्ववत सर्वम। तो यहाँ पे बोलते हैं तथा विदम इति अस्य अर्थम स्फुटम इति अर्थ, या इसी का अर्थ का उसी प्रकार पूर्ववत मतलब पहले जैसा था वो स्पष्ट रूप में आपको समझ में आने लग जाएगा। तथा विदम को लेकर के स्फुटम एव उच्यते पूर्ववत् द्रष्टव्यमिति, पूर्ववत् सर्वम् यदि बोलते तब उसको समझा रहे, ऊपर पहले क्या गया तैजसस्य उत्त विज्ञाने, ठीक है ना, इति अस्य व्याख्यान, पहले बोल करके आया कि वहाँ पे विश्वस्य विश्वस्य अत्त विवक्षायाम, ये अत्त विवक्षायाम इसी का अर्थ हो गया मात्रा संप्रतिपत्तो, इसी का अर्थ हो गया, बोला या फिर ना अत्त विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्तो, भाष्य में आया हुआ है मतलब पुनरुक्ति नहीं है, श्लोक में पुनरुक्ति नहीं है, अपने आप अर्थ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो उत्त विज्ञान है इसी का अर्थ हो गया मात्रा संप्रतिपत्तो, तीनों जगह पे कॉमन वर्ड है,
तीनों जगह पे कॉमन वर्ड है, तीनों श्लोक में मात्रा संप्रतिपत्तो मात्रा संप्रतिपत्तो मात्रा सं, तीनों में है ये, पर तीनों में बिगिनिंग भिन्नता है, एक जगह विवक्षा, एक जगह विज्ञान, एक जगह विभाव। ये मात्रा संप्रतिपत्ति में मतलब उसके साथ एक होने में, मात्रा के साथ पात का एकत्व होने में, प्रोसेस भिन्न होने पर भी आप लय हो पे किसी होते मिल जाना हो जाएगा, मिल जाएंगे आप। इसे बोलते हैं यहाँ पे कि उत्तर विज्ञान इतिहास व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्ति तस् व्याख्यान सर्वम, इसी के यहाँ पे बोलते हैं पूर्ववत सर्वम इति उच्यते, भाषा जो बोला पूर्ववत सर्वम, ये पहले का जैसे ही है सब कुछ, आगे अन्याय कुछ नहीं है, उच्यते तत्पूर्ववत दृष्ट, मतलब पहले जैसा कहे कर कहे अब तो विवक्षायाम इतिहास व्याख्यान मात्रा संप्रति, इस प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। द्रष्टव्यमिति उच्यते, यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी और दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं। एक नंबर स्व अभिप्रायण टीकाकृत आह उत्त विज्ञान इतिहास व्याख्यान मात्रा संप्रति, भाष्यकार यहाँ पे नहीं बोला, बद्ध भाष्यकार पहले बोल कर आया, बद्ध भाष्यकार ये बोला पूर्ववत सर्व, इसलिए टीकाकार अपना मत हम लोगों को स्पष्ट करने के लिए अपने अभिप्राय से यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख लिया कि उत्तर विज्ञान का व्याख्यान है मात्रा संप्रतिपत्तो, मात्रा संप्रतिपत्तो तीनों श्लोक में तृतीय पद है, तीनों श्लोक में तृतीय पद मात्रा संप्रति, मतलब मात्रा के साथ संबंध उससे एक हो जाता है, मतलब तीन मात्रा के साथ एक होने के लिए आपको पहले विवक्षा चाहिए, दूसरे में विज्ञान चाहिए, तीसरे में भाव चाहिए, ये बोला है। और पहले से दूसरा वाला उत्कृष्ट है, और तीसरे में क्या है उत्कृष्ट निष्कृष्ट सब भाव लय प्राप्त कर जाते, बस इसलिए लय सामान्य में बच्चे वहाँ उभय भक्ति। कितना सुंदर श्लोक लिखा देखो, मतलब साधन के लिए विचार करके क्या रिजल्ट एंड हाउ टू प्रोसीड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, दोनों एक साथ मिल जाएगा। ये कारिका की विशेषता है, इस श्लोक में नहीं बोला, कारिका की विशेषता है। करुणा से जीव के दुख को देख कर करुणा से उनके मन में आया ये अमृतत्व जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो हम लोगों के लिए देख करके कार्यक्रम कर। देवताओं के लिए भी अमृतत्व दुर्लभ है, वो अमृतत्व अपेक्षिक अमृतत्व है, निरपेक्ष अमृतत्व, इसलिए ये वो महीना पे एक नंबर टिप्पणी में टीकाकृत आह उत्तर विज्ञान यदि अस्य व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्ति व्याख्यान भवती शिशु, इसका आगे जोड़ना पड़ेगा कि मात्रा संप्रतिपत्त उत्तर विज्ञान यदि अस्य व्याख्यान, ये इसका व्याख्यान हो जाता है, ये हो गया एक नंबर टिप्पणी शेष। अब दो नंबर टिप्पणी तस्य व्याख्यान, तस्य व्याख्यान अभी बोलते हैं तस्य व्याख्यान मतलब भाष्यकृत कर्ति भाष्यकृत कर्तिकम अपेक्षितम तद व्याख्यानम इति अर्थ, भाष्यकार के द्वारा मतलब भाष्यकार करता है इसमें उसके अपेक्षित जो व्याख्यान है उस व्याख्यान को यहाँ पे समझ देना चाहिए। यहाँ तस्य व्याख्यानम सर्व यानी इसी का व्याख्यान क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर टीकाकार जो बोल रहे हैं कि उत्तर विज्ञान इति अस्य व्याख्यान मात्र संप्रतिपत्त इति, ठीक है ना, इसको नहीं बोलते, इसी का व्याख्यान किया तस्य व्याख्यानम सर्वम इति उच्यते, इसी का व्याख्यान पूर्ववत सर्वम, सर्वम कहाँ है भाष्य में, यानी कि भाष्यकार क्या बोलना चाहिए मैं पहले जैसा व्याख्यान करके यहाँ भी ऐसे इसको यहाँ पे बोलते हैं कि भाष्यकृत कर्तिकम अपेक्षितम, भाष्यकार के द्वारा जो अपेक्षित है तद व्याख्यान उसका व्याख्यान यहाँ पे अपेक्षित मतलब इंटेंडेड, व्हाट इज द इंटेंशन इन भाष्य, भाष्यकार की इंटेंशन क्या, जो हमने पहले बोल करके आया वही हमें समझ लेना, टीकाकार क्या क्या भाष्यकार जो अपेक्षित है उसको अपने आप खोल के लिख लिख दिया, टीकाकार ये नहीं कहा कि भाष्यकार बोलो हमें समझ लो, भाष्यकार क्या कहना चाहते वो समझ लो, अपने आप लिख के दिखा दिया। इसलिए तस्य व्याख्यानम सर्वमिति उच्यते तत्पूर्ववत द्रष्टव्यम इति उच्यते, पहला तरह पहले जैसा कहा ऐसे समझ लेना चाहिए, इसलिए बोला पूर्ववत। तृतीय थोड़ा पढ़ लेता आधा लाइन है वो है ना, तृतीय देखिए टीका में तृतीय पादस्य तृतीय मात्रायश्च एकत्व अध्यासे, ठीक है ना, तृतीय पाद के साथ तृतीय मात्रा में जो एकत्व की अध्यास होता है सामान्य द्वय, वहाँ भी दो समानता है, एक क्या हो गया मिते अपितेश्च, क्या समानता है मिते अपितेश्च, मापना और माप करके लय कर देना, समझना और समझ उसके मिथ्यात्व को समझ करके अधिष्ठान में लय कर देना, सर्प वहाँ पे नहीं है ये समझना, फिर क्या हो जाएगा सर्प अपने आप अधिष्ठान में लय हो जाएगा,
ये जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है ये नाम रूपात्मक नहीं है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सारा ब्रह्मात्मक ही है, परंतु क्या हो जाएगा उसको लय प्राप्त कर जाएगा, विचार पूर्वक उसका लय हो जाता है। तृतीय पाद से तृतीय मात्रायस्य एकत्व अध्याय से सामान्य द्वय दो समय दो समानता को देगा, श्रुत्या दर्शिता श्रुति के द्वारा जो दिखाया गया है विषदयति उसको विस्तार से बोलते हैं। मकार मकारत्य प्राकृत्य मिति लयो उत्कृष्ट है ना, मकारत्य यहाँ किंतु भावे ये नहीं बोल रहे हैं, मकार भावे मकारत्य मतलब आपको अभी ईश्वर भाव में आना है, ठीक है ना। आप पहले कहते थे स्थूल जगत में अपने दोनों को लेकर के व्यवहार कर अंतर्जामी बहिर्जामी करके, फिर बहिर्जामित्व छोड़ दिया, केवल अपने परिच्छिन्नता में अंतर्जामित्व को लेकर के विचार किया, आप क्या है अंतर्जामित्व बहिर्जामित्व दोनों छोड़ दिया, केवल ईश्वर भाव इसलिए बोलते हैं मकारत्य प्राग्ञस्य मिति लयो उत्कृष्ट सामान्य इति अर्थ, कि मकार और प्राग्ञ में एकत्व है ना, मकारत्य प्राग्ञस्य प्राग्ञ में क्या धर्म आ जाएगा घटस्य घटत्व, मतलब घट में घटत्व धर्म है, इसलिए प्राग्ञस्य मकारत्व प्राग्ञ में मकारत्व धर्म है। प्राग्ञ ये प्राग्ञ कौन सोते सोते काल में तो अपने आप आते हैं, परंतु परिच्छिन्न रूप में जागृत काल में आएगा तो फिर आप फिर वो हमेशा के लिए नहीं जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं, इसलिए बोलते हैं मकारत्य प्राग्ञस्य दो चीज चाहिए मिति एंड लय उत्कृष्ट, मिति लयो उत्कृष्ट सामान्य, ठीक है ना। मिति मतलब क्या हो जाएगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड लय मीन्स देन इट विल डिसॉल्व इनटू इट, तब क्या हो जाएगा आप जो है उत्कृष्ट सामान्य दो उत्कृष्ट सामान्य इति अर्थ है, इसका भी प्रेत अर्थ है। फिर आगे बोलते हैं तृतीय पाह्य हो गया मकार अक्षर अर्थ से पूर्ववत एवं सुज्ञान तब तात्पर्य, जो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया ना वो शब्द प्रयोग यहाँ पे आसान है समान है अच्छा सहज है, इसीलिए भगवान भाष्कर कुछ नहीं कहते हैं, केवल बोलते हैं कि ये पर है पहला जैसा समझ लें पहला जैसा समझ लें, इस अभिप्राय से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं अक्षर अर्थ से जो यहाँ पे शब्द आया उसका अर्थ का पूर्वादेव पहले तरह सुज्ञानोत्तर आसानी समझना आसान होने के कारण तात्पर्य तात्पर्य को भगवान भाष्य कहते हैं मकारत्य प्राग्ञस्य मिति लयो उत्कृष्ट सामान्य, बस इतना ही। आप कैसे आप अपनी जो है ये जो प्राग्ञ तप्राग्ञ भाव है ना, मतलब जागृत में बैठ करके सुषुप्ति में जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड देन क्या होगा ऊपर जो भी नाम रूप आपको दिखाई दे रहा है अपने में लय कर आप ईश्वर था काल परसों दो दिन अवकाश हो है ना पूर्णिमा करते पता ठीक है। आज कौन सा पढ़ना पड़ेगा अजम अपि योगं प्रापदैश्वर्ययोगा अगतिं च गतिमत्यां प्रापदेकं हिमहेमं विविधविषयधर्मग्राहि मुखे क्षणानां प्रणतमयगिहन्त्री ब्रह्मजलतन्मनोऽस्मि।